नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। राज्य कैबिनेट में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब ये साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान ही शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। कंगना रनौत और आर माधवन की फिल्म तनुवेट्स मनु बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म के दूसरे पार्ट को भी दर्शकों ने खूब सराहा था, लेकिन फिल्म की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। फैंस को लंबे समय से तनुवेट्स मनु के तीसरे पार्ट का इंतजार है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही मेकर्स तनुवेट्स मनु की तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर फिल्म की कहानी क्या होगी और इस बार भी फिल्म के स्टार कास्ट सेम होगी या फिर मेकर्स इसमें कोई बदलाव करने वाले हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एक के बाद एक जहां कई बड़ी कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है और रूस में कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई कंपनियां यूक्रेन की अलग अलग तरह से मदद भी कर रही है। इसी कड़ी में एयर बीएनबी यूजर एक अभियान के तहत यूक्रेन के लोगों की आर्थिक मदद कर रही है। इस अनूठे अभियान के तहत यूजर्स यूक्रेन के युद्धग्रस्त एरिया में छुट्टियां मनाने के लिए होटल रूम और रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं। हालांकि ये बुकिंग वहां जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए की जा रही है ताकि युद्ध में बहुत कुछ गवा चुके लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। चंद्रशेखर राव ने राज्य विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि नौकरियां तलाश रहे बेरोजगार लोगों के लिए जॉब देने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द राज्य में 91,142 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के बाद 10 मार्च यानी गुरुवार को मतगणना होगी। उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बने रहने के आसार हैं, जिसके अलावा कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और अन्य के हिस्से 1 से 20 सीट आ सकती है। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की ने मंगलवार को क्रेमलिन की तरफ से बच्चों सहित नागरिकों की सामूहिक तौर पर जान लेने की निंदा की है। उन्होंने रूस के हमले को लेकर वैश्विक मीडिया को एक भावुक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले पर भरोसा करना असंभव था। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को बजट पेश कर दिया है। इस दौरान सीएम ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलवाने, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीनों मजदूर न्याय योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6,000 रूपये से बढ़ाकर 7 रूपये करने की घोषणा की है। ब्रिटेन में कोरोना से जुड़े तमाम प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं, इससे वो एहतियातें भी ढीली पड़ चुकी हैं जो प्रतिबंधों को देखते हुए लोग बरत रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब एक सप्ताह के भीतर ही वहां कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। इससे कई विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण की अगली लहर मानकर चल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट coronavirus.data.gov.uk के आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 दिन में वहां कोरोना संक्रमण के 322,917 नए मामले सामने आ गए हैं। भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा का कहना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का फाइनल खेलने वाली टीमों को लेकर भविष्यवाणी की गई है। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकते हैं। आकाश ने हालांकि भारत के भी क्वालिफाई करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना स्टारर जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू अब 10 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। निर्माताओं ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। शांतनु बागची द्वारा निर्देशित 1970 के दशक की जासूसी थ्रिलर में मल्होत्रा एक रॉ एजेंट के रूप में है, जो पाकिस्तानी धरती पर एक गुप्त ऑपरेशन करने जाते हैं। ये फिल्म पहले 13 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA बुधवार को कश्मीर घाटी के बारामूला तथा पुलवामा और शोपिया में कई स्थानों पर छापेमारी करती देखी गई। इस अभियान के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। NIA के अधिकारी पुलिस और CRPF के साथ आज सुबह बारामूला जिले के पट्टन, पुलवामा के पिंगलाना इलाके और शोपिया में जमात इस्लामिया के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे और छापेमारी शुरू कर दी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सामान्य रूप से चलेगा। कोरोना संकट से निकलने के बाद यह पहला मौका है जब बैठकें सामान्य रूप से चलेंगी। आगामी 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दोनों सदनों की सभी दीर्घाओं का उपयोग पहले की तरह से किया जाएगा। मंगलवार को राहत मिलने के बाद आज फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 600 अधिक है।
रूस और यूक्रेन के बीच लगातार चल रहे युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला किए जा रहा है। यूक्रेन में कई बेगुनाहों की जान भी ली जा चुकी है। रूस की इन हरकतों से हर तरफ उनकी आलोचना हो रही है। वहीं केरल के एक कैफे ने रूस का विरोध किया है। इस कैफे का विरोध करने का तरीका बेहद ही अलग है। यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए इस कैफे ने अपने मेन्यू से रशियन सैलेड को हटा दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने साल 2020 में 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर के ऐसे चले जाने से उनके फैंस को बड़ा धक्का लगा था, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपने काम के जरिए वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। फैंस को ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। अब ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। बता दें कि यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर 31 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इंस्टाग्राम पर फरहान अख्तर ने फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर में ऋषि कपूर का फर्स्ट लुक देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले के बाद मंगलवार को ब्रिटेन के सांसदों से रूस को आतंकवादी देश के रूप में घोषित करने की बात कही है। साथ ही और अधिक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की हवाई क्षेत्र सुरक्षित है। तेल की कीमतों में उछाल की खबरों के बीच हरदीप सिंह ने कहा है कि यह कहना कि चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, ये बिल्कुल गलत होगा। तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होती है। ये कहना कि चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, ये बिल्कुल भी गलत है। तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी होती है। बायोलॉजिकल ई ने 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए तैयार कोरोना रोधी वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि हैदराबाद स्थित इस दवा कंपनी ने विशेषज्ञ समिति को वैक्सीन का डेटा प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा शिकंजा कसे जाने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को राहुल गांधी का एक पत्र साझा किया है, जिसमें एक कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन का वादा किया गया है। 15 फरवरी को पत्र में गांधी ने राउत और उनके सहयोगियों को परेशान करने और डराने के लिए कई केंद्रीय एजेंसी की निंदा की है। रक्षा मंत्रालय कैंप के नई दिल्ली के राउतला राम मार्ग स्थित इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई वाला के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। MTS भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक आवेदन इच्छुक उम्मीदवार विज्ञापन के लिए किए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अपना आवेदन विज्ञापन जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर यानी 11 मार्च 2022 तक दिए गए पते पर डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 14वां दिन है। यूक्रेन में कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों का सहारा ले रहे हैं। इस जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब नरम संकेत देना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अब यूक्रेन को नाटो सदस्यता दिलवाने के लिए जोर नहीं डाल रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी अहम वजह मानी जा रही थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 12वीं बोर्ड टर्म 1 परीक्षा का परिणाम घोषित करने वाला है। छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। एक विशेष अदालत ने कहा है कि शहर की कंपनी ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स ने संबंधित धन शोधन के मामले में अभिनेता निर्माता सचिन जोशी को किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई है। विशेष PMLA न्यायाधीश MG देशपांडे ने सोमवार को जोशी को जमानत दे दी थी, जिन्हें पिछले साल 14 फरवरी को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वाराणसी बरेली और सोनभद्र में EVM को लेकर हुए बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। शीर्ष नेतृत्व और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आह्वान कर गोरखपुर में देर रात सैकड़ों की संख्या में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एकत्र किया है। उनका आरोप है कि भाजपा किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को होने जा रहे चुनाव मतगणना को लेकर प्रशासन अभी से ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ADG यानी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि मतगणना के दिन हुड़दंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है कि 10 मार्च को मतगणना के लिए लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल और 69 कंपनी PAC की तैनाती की गई है। अमेरिका में पोलैंड के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है जिसमें सोवियत संघ रूस निर्मित MiG-29 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन को देने की बात कही गई थी। बाइडेन प्रशासन ने पोलैंड सरकार के सोवियत संघ रूस निर्मित MiG-29 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन में भेजने की अनुमति देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत न सिर्फ भारतीयों को देश वापस लाया जा रहा है बल्कि अन्य नागरिकों को भी उनके संबंधित देशों तक पहुंचाया जा रहा है। इस ऑपरेशन की मदद से भारत ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है। अपने नागरिकों को रेस्क्यू किए जाने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने PM नरेंद्र मोदी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
इंडियन ऑयल द एनर्जी ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को ईंधन और गैर ईंधन श्रेणियों में बेहतर और कुशल ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही है। अपना नवीनतम अग्रणी पहल में इंडियन ऑयल ने मेसर्स दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी लिमिटेड के साथ दिल्ली और हरियाणा राज्य में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स में दवा इंडिया के कंपनी आउटलेट्स खोलने के लिए टाई अप किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के प्रयत्न में इसके वित्तीय संस्थानों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आर्थिक वृद्धि और आकांक्षा की अर्थव्यवस्था के वित्त पोषण विषय पर बजट पश्चात एक ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे व्यवहारिक वित्तीय मॉडल के निर्मित की जरूरत है जो देश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर सके और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो। कोरोना काल में 2 साल तक निलंबित रहने के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर से शुरू होने जा रही है। इस खबर की वजह से भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड एयरलाइन कंपनी के स्टॉक की खरीदारी बढ़ गई है। बाजार में लिस्टेड 3 एयरलाइन कंपनियां इंडिगो, स्पाइसजेट और जेट एयरवेज के शेयर में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमित कुमार, रणधीर कुमार, गौतम कुमार, गजेंद्र सिंह, नुन्नू कुमार, दिव्यांशु कुमारी, अमलेश कुमार, आलोक कुमार, समराज, चंदन कुमार, सुमन कुमार, सर्वनेश्वर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने में भारत सरकार के प्रयास से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।